हेलो गाइस, हम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका SC ST एक्ट। देखिए, SC ST एक्ट का पहले हमें प्रेम्बल जानना है कि SC ST एक्ट कहता क्या है। तो अगर बात माने तो ये एक्ट आपका प्रिवेंट करता है कमीशन, यानी कि ऑफेंस, मान ली कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब अत्याचार, ठीक है, अगेंस्ट द मेंबर। अब अत्याचार किसके ऊपर कह रहा है? SC और ST के ऊपर। अब SC ST है कौन? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि SC ST है कौन। देखिए, कोई भी जाति अगर SC में आती है या ST में आती है, ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है। आपका इसके बारे में भी जिक्र करेंगे अभी, ठीक है। तो यानी कि हम भी हमने ये जाना कि अगर किसी के ऊपर कोई एट्रोसिटीज होती है, यानी कि अत्याचार होते हैं, ठीक है, और किन पे होते हैं ये अत्याचार? SC पे या ST पे, यानी कि जो आपका विक्टिम होगा वो SC ST से रिलेटेड होगा, ठीक है। SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, यानी कि जिसकी जाति है आपकी नीची जाति में मानी गई, और ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, जो आपका ट्राइब्स एरिया में रहते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड स्पेशल कोर्ट्स, उनके लिए आपका स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी, एक्सक्लूसिव कोर्ट्स बनाई जाएंगी फॉर द ट्रायल, उनका केस चलाने के लिए, ठीक है। यानी कि ऑब्वियस बात है, हमेशा याद रखिएगा कि जो इसमें केस में अक्यूज होगा, ठीक है, वो हमेशा नॉन SC होगा, नॉन SC और ST होगा, ठीक है। अक्यूज हमेशा नॉन SC और ST होगा, और जो इसमें विक्टिम होगा वो हमेशा SC और ST होगा, ठीक है। एंड द रिलीफ ऑफ द रिहेबिलिटेशन। अब उनके साथ जो SC ST के साथ हुआ, उनका रिहेबिलिटेशन करवाया जाएगा। रिहेबिलिटेशन का मतलब यहाँ पर ये जान लीजिए कि उनको जो उस अत्याचार की वजह से पीड़ा हुई है, ठीक है, मेंटली फिजिकली, उसका उपचारण भी ये एक्ट करवाएगा, ठीक है। इसमें एक्ट के कई चीजें आपकी दे रखी है, जहां पर आपका उनसे रिलेटेड अगर उनके अत्याचार से, उनके ऊपर अत्याचार हुए, किन पे? SC ST पे अत्याचार हुए हैं, उनका रिहेबिलिटेशन करवाया जाएगा, ठीक है। ये कोर्ट को करवाती है। सच ऑफेंसेज एंड मैटर कनेक्टेड विद देयर इन इंसिडेंटल देयर टू, यानी कि इसमें आपका इसके बारे में हमें जिक्र करना है। अब पढ़ते हैं आपका ये प्रेम्बल, ठीक है, प्रेम्बल हो गया। अब इस पढ़ते हैं चैप्टर वन। चैप्टर वन में पहले हमें ये जानना है कि आपका डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या थी इसकी, 11 सितंबर 1989, और आपका इन्फोर्समेंट कब हुई थी इसकी, 30 जनवरी 1990 में, ठीक है। यानी कि आपका इन्फोर्समेंट डेट ये है और आपका डेट ऑफ इनेक्टमेंट आपका 11 सितंबर है। अब ये आपका कहाँ लगता है? ये आपका लगता है पूरे हॉल ऑफ इंडिया में लगता है। पहले ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता था, ठीक है, अब ये हर जगह लगता है। और हालांकि देखा जाए तो यही एक्ट था जिसकी वजह से आर्टिकल 370 आपका हटा था, ठीक है, वो कभी हम किसी और दिन बात करेंगे इस रिगार्डिंग। इट शेल कम इन टू द फोर्स ऑन सच डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाइड, यानी कि अब ये कब से नोटिफाई माना जाएगा? जब आपका राजपत्र में, देखिए राजपत्र निकलते हैं, उसमें कोई भी सरकारी राजपत्र, दो तरह के राजपत्र होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के राजपत्र की बात करी गई है। जब राजपत्र निकलेगा तो उसमें नोटिफाई कर दिया जाएगा, यानी कि मान लीजिए सरकार के न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। एट्रोसिटी का मतलब है अत्याचार। अब अत्याचार कहाँ डिस्क्राइब कर रखते हैं? आपका सेक्शन 3 में। आपका क्रूरता भी मतलब अत्याचार में ही आता है। तो ए जो बात कर रहा है वो ए से, यानी कि ए से ऐसे याद रख लीजिए, ए का मतलब है एट्रोसिटी, ठीक है। एट्रोसिटी का मतलब कुर्ता या अत्याचार बोल लीजिए। कोर्ट जो है वो आपका CRPC की बात करेगी, जो इसका प्रोसेस है वो CRPC में, बट इसके कुछ प्रोसेस आपका इसमें दे रखा है, ठीक है, कुछ प्रोसेस आपका CRPC में दे रखा है। जब पर मान लीजिए कोई SC ST में आपका प्रोसेस दे रखा है और CRPC में भी कोई प्रोसेस दे रखा है, तो किसके प्रोसेस की मानी जाएगी, ठीक है, आपका SC ST की बात मानी जाएगी, ठीक है। डिपेंडेंट की, ये आपका 2015 के अमेंडमेंट में आया था कि डिपेंडेंट कौन होता है। डिपेंडेंट का मतलब है, जैसे मान लीजिए विक्टिम है, ठीक है, ये विक्टिम कौन है? SC मान लीजिए या ST मान लीजिए, इसके, इसकी बीवी, इसके बच्चे, ठीक है, इसके पेरेंट्स, इसके भाई, इसकी बहन, ठीक है, ऑफ द विक्टिम, यानी कि ये विक्टिम खुद हो गए, हु आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑफ द सपोर्ट्स ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि जिनको ये आपका मेंटेन करता है, ठीक है। जैसे ये अपनी बीवी को मेंटेन करता है, अपने बच्चों को मेंटेन करता है, अपने पेरेंट्स को, ब्रदर को, सिस्टर को। अब मान लीजिए क्या सिस्टर का पति, ठीक है, यानी कि इस SC ST का जीजा, क्या वो आपका इसके ऊपर डिपेंडेंट में आएगा? आंसर इज नो, ये उसके डिपेंडेंट में नहीं आएगा, ठीक है। आपका डिपेंडेंट में कौन आएगा? जिसको ये आपका मेनली और होल्डली आपका सपोर्ट करता है, मेंटेन करता है, ठीक है, यानी कि अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने पेरेंट्स को, अपनी बीवी को, अपने भाई को और अपनी बहन को, ठीक है, अगर ये अनमेरिड है, ठीक है, बहन को तब तक अनमेरिड को, फिर उसके बाद आपका उसकी बीवी के जो पति होगा उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब इकोनॉमिकल बॉयकॉट, इकोनॉमिकल बॉयकॉट का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आर्थिक बहिष्कार कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है अ रिफ्यूजल टू डील विद द वर्क फॉर हायर टू डू बिजनेस। मान लीजिए कोई एक SC है, ठीक है, मैं उससे उसके वो उसका पाइप बनाने का काम है,
अब मैं उसके से यहाँ से उसकी दुकान से पाइप लेना बंद कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि इस बेस पे कि वो SC ST है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसका क्या करा, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड इकोनॉमिकल बॉयकॉट करा, ठीक है। यानी कि उसे मैंने हायर नहीं करा, यानी कि मान लीजिए मैं नहर साफ करवाने के लिए कर्मचारियां ले रहा हूँ, ठीक है, गाँव से। अब वहां पे आपका 5-10 बंदे खड़े हुए हैं, 10 में से मैंने 5 को ले लिया, 5 जो थे वो SC ST से बिलोंग करते थे, मैंने उनका नहीं लिया, ठीक है, और उनको मैंने मना कर दिया। किस बेस पे मना करा? इस बेस पे मना करा कि वो SC है और ST है, इस बेस पे मैंने मना करा, तो मैंने उनको काम नहीं दिया, ठीक है। किस बेस पे काम नहीं दिया? आपका बिजनेस के, आपका उनका इकोनॉमिकल बॉयकॉट करा। क्यों? क्योंकि वो SC ST है। टू डिनाई अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग एक्सेस टू सर्विस और कॉन्ट्रेक्चुअल। मान लीजिए कोई टेंडर निकला नहर साफ करने का, ठीक है, या कोई मनरेगा की कोई पॉलिसी निकली, या कोई भी ऐसे कुछ निकली, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल निकला, कोई कॉन्ट्रैक्ट भरने के लिए निकला, और उसमें मैंने SC ST को मना कर दिया, इस बेस पे मना कर दिया कि यार तुम SC ST हो, तुम नहीं भर सकते, इसको सर्विस नहीं ले सकते, या कोई हॉस्पिटल वालों ने इस बेस पे मना कर दिया कि हम आपको एडमिट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप SC ST हो, ठीक है, तो सर्विस नहीं दे रहे वो अपनी, ठीक है। कोई मोबाइल कंपनी नहीं इजाजत नहीं दे रही, कोई भी सर्विस, जैसे बाल काटने के लिए मैं एक नाई हूँ, सैलून चलाता हूँ, ठीक है, मैंने एक को मना कर दिया कि नहीं मैं तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा क्यों, क्योंकि तुम SC ST हो। हालांकि यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर ऐसी चीजों को इकोनॉमिकल बैकग्राउंड करा गया, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर यही है कि इकोनॉमिकल बैकग्राउंड किसका, सॉरी इकोनॉमिकल बॉयकॉट किसका, SC ST का ही, तभी तो ये एक्ट आएगा आपका पिक्चर में। टू रिफ्यूज, मना कर देना, टू डू एनीथिंग ऑन द टर्म विच वुड बी कॉमनली डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई काम है, ठीक है, आपका उस बिजनेस से रिलेटेड चीज मना कर दी उसमें, यहाँ पर तो आपका स्पेसिफिक करा गया, यहाँ पर सारी बात बता दी कि बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज आपने SC ST को मना कर दिया, तो वो चीज आपको इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बॉयकॉट में आएगी। तो अब्सटेन द प्रोफेशनल बिजनेस, यानी कि मान लीजिए अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई SC एडमिशन लेने आया या ST एडमिशन लेने आया, मैंने उसे भगा दिया कि नहीं ले सकते तुम, ठीक है, या कोई उनको प्रोफेशन नहीं बनाने देना कि तुम तो मैनुअल स्कैवेज वाले काम करो, बैल हाको, ये काम करो, ठीक है, तुम कहाँ ये प्रोफेशन में आ रहे हो, तो आप किसी को कोई प्रोफेशन में या कोई बिजनेस ज्वाइन नहीं करने देते। किस बेस पे? कि वो SC या ST है, तो वो भी चीज़ आपका इसमें आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं BD की। BD की बात करें कि आपका ये एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड्स, और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड्स क्या होंगे जो आपका सेक्शन 14 में बता रखे हैं, ठीक है, वो बस अभी इसमें यही बता रखा है अभी। फिर आपका रहा BE की बात करते हैं। BE कहता है कि आपका फॉरेस्ट राइट्स क्या होते हैं। देखिए इसका सिंपल से मैं तो ये कह रखा है कि जो आपका फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड आपकी बात करी गई है। आपका ये एक्टिव जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है उसमें बताया गया, इसमें एक्ट में कुछ नहीं है, उन पे ये कह दिया कि जो फॉरेस्ट में जो जनजातियां रहती हैं उनको अपने बेस पे रहने दी। इसमें बेसिकली आपका शेड्यूल ट्राइब्स लोग आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उनके वो जो आपका जंगलों में रहते हैं उन्हें हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, ठीक है। अब कौन आता है कौन नहीं आता ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसकी भी बात अभी हम करेंगे। अब देखिए मैनुअल स्कैवेज क्या होता है। BF, BF का मतलब यहाँ पर हो गया जो डेफिनेशन है आपका मैनुअल स्कैवेज की दे रखी है। जैसे जो आपने देखा होगा कई जो ड्रेन होते हैं, नालियां होती है, उनको हाथ से साफ करने वाले लाते हैं, ठीक है, या जो आपका पॉटी वॉटी हो गई या ऐसा कुछ हो गया, गंदगा हो गया, वो अपने हाथ से उठाने वाले, उनको मैनुअल स्कैवेंजर्स कहा जाता है। अब इसमें ये होता था कि जैसे आपका एक प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेज, कुछ काम होते हैं जो हाथ से ही करने पड़ते हैं, जैसे जो बड़े बड़े सीवर्स होते हैं उनमें जो सफाई होगी वो हाथ से ही करनी पड़ती है। तो ये वाला जो एक्ट था प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल रिहेबिलिटेशन, इसमें ये बताया था कि अगर किसी से आप मैनुअल स्कैवेज काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसको प्रॉपर हाइजीन दिया जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बात करी गई थी। मैनुअल स्कैवेज का मतलब यह जान लीजिए कि मैनुअल स्कैवेज का मतलब होता है कि हाथ से आप मलमूत्र उठाने वाला, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट की बात करी जाए तो पब्लिक सर्वेंट आपका हमने दो चीज़ों में पढ़ा था, एक पब्लिक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में पढ़ा था, फिर हमने आपका एक IPC में सेक्शन 20-21 में भी पढ़ा था, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट में वही आते हैं जज आपके, अगर हम लेजिस्लेचर में बात करें तो MP, MLA, CM, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे आपके आप वो आते हैं पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। और एग्जीक्यूटिव में बात करी जाए तो प्रेसिडेंट से लेके आपका एक कांस्टेबल तक सब आते हैं, ठीक है। और अगर जुडिशरी में देखा जाए जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज से लेके आपका जो भी रिसीवर लिक्विडेटर होंगे वो सब आपके इसमें आते हैं पब्लिक सर्वेंट में, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की। अब देखिए शेड्यूल कास्ट की बात वही आ गई कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कौन होंगे, जो आर्टिकल 366 कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, ठीक है, उसके सब क्लॉज 24 और सब 25 में बता रखे हैं, वही आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स माने जाएंगे, ठीक है। स्पेशल कोड्स कौन सी होगी, स्पेशल कोड्स भी आपका सेक्शन 14 में बताया गया है, ठीक है। अब ये डेफिनेशन क्लॉज चलती है। अब स्पेशल प्रोसिक्यूटर कौन होगा, जो आपका सेक्शन 15 में बताया गया है। अब EA की बात करें तो शेड्यूल मींस क्या होगा, शेड्यूल मींस द शेड्यूल अपीयरिंग इन दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट में जो बताया गया है वो शेड्यूल है, ये शेड्यूल
आपका शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल अग्नि, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल शेड्यूल कास्ट वाले नहीं है, ये दूसरे आपके शेड्यूल्स हैं जो आपका मेंशन कर रखे हैं कि ये शेड्यूल्स होंगे आपके 23 के बाद जो दे रखे होते हैं, ठीक है, मतलब एनेक्सस पार्ट वाले पार्ट को कहा। अब सोशल बॉयकॉट, अभी हमने इकोनॉमिकल बॉयकॉट पढ़ा था, ठीक है, अब सोशल बॉयकॉट पढ़ना है। सोशल बॉयकॉट का मतलब होता है मीन्स अ रिफ्यूजल, यानी कि अगर सिंपल समझे हुक्का पानी बंद, ठीक है, मीन्स अ रिफ्यूजल टू परमिट, यानी कि आपने मना कर दिया, टू रेंडर यानी कि काम करने के, अदर पर्सन रिसीव फ्रॉम एनी कस्टमरी सर्विस। मान लीजिए एक कुआ पूजन हो रही है, कुआ पूजन में मैं एक लेडी को मना कर देता हूँ, ठीक है, तुम इस कुआ पूजन में नहीं होगी, क्यों, क्योंकि तुम SC ST हो, तो ये मैंने उसका क्या करा, सोशल बॉयकॉट करा, ठीक है। ऐसी चीजों को आप सोशल बॉयकॉट, यानी कि आपने रीति रिवाज जो चल रहे हैं, ठीक है, और जैसे दिवाली हो गई या कुछ हो गया, उसमें आपने उनको मना कर दिया कि आप अभी ये दिवाली पे नहीं आओगे, या इस इलाके में नहीं आओगे, उस इलाके में नहीं आओगे, ये चीजें आपका सोशल बॉयकॉट में आ गई, ठीक है। अब विक्टिम क्या गया, अब विक्टिम की डेफिनेशन हमने CRPC में भी पढ़ी थी, 2W में, ठीक है, 2WA में भी पढ़ी थी हमने, ठीक है। विक्टिम का मतलब क्या होता है, हु फॉल्स विद द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल क्राइस एंड शेड्यूल ट्राइब सेक्शन 2 के सब क्लॉज सी के 1 में जो हमने पढ़े, ठीक है, इसमें वही बताएगा कि आर्टिकल में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताएंगे वो वाले लोग SC ST में आते हैं, ठीक है। हु हैज सफर्ड, यानी कि वो लोग एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपीरियंस जिसको फिजिकली मेंटली, अब जैसे एक आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, मान लीजिए एक का मर्डर हो गया, ठीक है, अब वो SC था, SC ST था, ठीक है, अब वो मर्डर हो गया, अब उसकी, वो तो खुद तो मर गया, अब उसकी जो मम्मी थी, ठीक है, वो क्या हुई, विक्टिम कहलाई गई, उसकी जो मदर थी वो विक्टिम कहलाई गई, क्यों, क्योंकि अब उन्हें लॉस हुआ, क्योंकि उनके बच्चे की वजह से उन्हें लॉस हुआ। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि आपका विक्टिम का मतलब है जिसको फिजिकली मेंटली साइकोलॉजिकली इमोशनली मॉनिटरी हार्म हुआ है, ठीक है, या उसको किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, वो चीज आपका उसमें आएगी, लीगल हायर, लीगल गार्डियन और आपका लीगल हायर उमर ले जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरी डेथ हो जाए और मैं SC ST हूँ, ठीक है, मैं आपका SC ST हूँ, अब मेरे बाद कौन कौन बचे, मेरे मम्मी है, मेरे पापा हैं, ठीक है, भाई बहन है, अब ये जो है ये सारे के सारे क्या हुए, आपका मेरे लीगल गार्डियन हुए और लीगल हायर हुए, ठीक है, और यही आपका विक्टिम में भी आ सकते हैं और ये मेरे बिहाफ पे केस लड़ सकते हैं। अब बात करी जाए विटनेस की, विटनेस की बात हमने आपका सेक्शन 118 में, कंपिटेंट ऑफ विटनेस हमने एविडेंस एक्ट में भी पढ़ा था, ठीक है। और विटनेस का अगर हम एविडेंस एक्ट में पढ़े तो क्या होता है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स आपकी ओरल होती है वो सब विटनेस में मानी जाती है, ठीक है। बट यहाँ पर आपका बहुत इलेबोरेट तरीके से विटनेस का मतलब बताया गया, विटनेस मीन्स एनी पर्सन, ठीक है, ऐसा पर्सन जिसको आपका फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस के बारे में पता है, ठीक है, या उसे इन्फॉर्मेशन है, या उसे नॉलेज है, या इन्वेस्टिगेशन और वो उसकी जो पर उसका काम क्या है, उस इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी या ट्रायल से रिलेटेड उसको पता है। सिंपल सी बात है, अगर कि जिसको भी उस फैक्ट के बारे में नॉलेज है ना, वो विटनेस के अंडर आएगा, ठीक है, चाहे उसे डॉक्यूमेंट्री नॉलेज है या आपका या आपका उसको उस फैक्ट्स को पता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, मान लीजिए कोई मर्डर हुआ था, वो CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, वो CCTV कैमरा था लाला का, ठीक है, अब ये लाला जो है वो विटनेस माना जाएगा, आंसर इज यस, क्योंकि ये CCTV कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है वो ट्रू है, जेन्युइन है, वो कौन देगा, आपका लाला ही तो देगा, तो वो विटनेस में माना जाएगा, ठीक है। अब द वर्ड एक्सप्रेशन आर नॉट डिफाइंड, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए आपका SC ST में कोई वर्ड आपका नहीं मिलता, ठीक है, कोई चीज आपकी नहीं मिलती, तो आप IPC में भी उसे देख सकते हैं, एविडेंस में भी उसे देख सकते हैं, CRPC में भी देख सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज ये है कि अगर मान लीजिए कोई चीज आपका SC ST में दे रखी है और इन तीनों में भी दे रखी है, तो किसकी मानी जाएगी, इसकी मानी जाएगी। पर अगर कोई चीज इसमें नहीं दे रखी और इन तीनों में, और हमें उसका मतलब जानना है, ठीक है, तो वो हम तब इन तीनों में देख सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस सेक्शन का मतलब ये है कि अगर SC ST में कोई चीज दे रखी है, ठीक है, जैसे प्रिजम्पशन की बात करें, तो यहाँ पर प्रिजम्पशन जो है आपका SC ST अलग से दे रखी है इनकी, SC ST एक्ट की, ठीक है, और एविडेंस एक्ट की अलग से दे रखी है, ठीक है, तो दोनों में प्रिजम्पशन है, किसकी प्रिजम्पशन मानी जाएगी, SC ST की प्रिजम्पशन मानी जाएगी। पर मान लीजिए अगर ये प्रिजम्पशन वाला क्लॉज इसमें नहीं दे रखा होता SC ST में, तो किसकी मानी जाती, फिर आपका एविडेंस एक्ट की ही मानी जाती, ठीक है। तो ये तो वही बात होगी। अब आपका बात करते हैं डेफिनेशन के 1 के क्लॉज में, ABCD तो हमने सब पढ़ लिए, ठीक है, अब बात करते हैं 2 में। 2 में ये कह रहा है कि अगर एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट, एनी एनेक्टमेंट प्रोविजन देयर ऑफ शैल इन रिलेशन टू एनी एरिया इन विच एनेक्टमेंट, मान लीजिए कोई आपका SC ST से रिलेटेड है, ठीक है, और वहां पर उस एरिया में आपका SC ST एक्ट नहीं चलता, दूसरा एक्ट चलता है, तो उस एक्ट की भी मानी जाएगी, ठीक है, इन फोर्स ऑफ इन दैट एरिया, जो उस एरिया में लागू हुआ कानून, उसकी बात मानी जाएगी। अब हमें पढ़ना है चैप्टर 2 में ऑफेंसेस एंड ऑफ एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज का मतलब हमने पढ़ा था अत्याचार, ठीक है, ये बहुत बड़ा सेक्शन है, इसमें A2 लेके Z तक है, ठीक है, और
सब भी है, सब सेक्शंस भी हैं, ए ए भी हैं, ऐसे ऐसे आपके और भी हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे एक ये लाला है, ठीक है, ये एक मोहन है, ठीक है। तो मोहन जो है वो आपका SC ST से बिलोंग करता है, ठीक है, और लाला जो है वो नॉन SC है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये जानना है कि हमेशा ये जो एक्ट लगेगा वो आपका नॉन SC पे ही लगेगा, नॉन SC ST पे ही लगेगा, ठीक है। अक्यूज हमेशा क्या होगा आपका, नॉन SC ST ही होगा इस केस में। अब ये मोहन जो है, अब मोहन के साथ अगर लाला जो है मोहन के मुंह में, ठीक है, कोई गंदी चीज डाल देता है, गंदी चीज का मतलब है जो खाने लायक नहीं है, ठीक है, कीचड़, आपका सुसु या पॉटी, मतलब ऐसी कोई चीज डाल देता है जो आपका खाने लायक नहीं है, ठीक है। तो उसने ऑफेंस करा है, किसने, लाला ने करा है, कौन सा, एक ऑफेंस करा है। अगर मान लीजिए लाला मोहन के घर पे आपका कोई डंप कर देता है, क्या, मतलब मलमूत्र डाल देता है, ठीक है, कीचड़ डाल देता है या मरा हुआ जानवर फेंक देता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्योंकि अब नोशियस चीज, यानी कि मतलब जो आपका खाने लायक योग्य चीज नहीं है, वो कहाँ डाल देता है, मोहन के घर के अंदर डाल देता है, या परमिसेस मतलब मोहन के बरांडे में या कमरे में, कहीं पर भी, छत पे, कहीं पर भी, मोहन के घर पे डाल देता है, तो वो होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई आपका ऐसी चीज है, यही सब चीजें वो अगर उसके नेबर पे फेंक देता है, जैसे मोहन के घर के पास फेंक देता है, मोहन की गली के सामने, घर के सामने फेंक देता है, या आसपास फेंक देता है, जिससे मोहन भड़क जाए, ठीक है, प्रोवोक हो जाए, उसको इंसल्ट महसूस हो, तो भी वो ये चीज लगता है, वो सी बताता है। तो बी और सी में ये फर्क है कि मोहन के यहाँ घर में फेंका था परमिसेस में, और यहाँ उसके नेबरहुड में फेंका था, पर मकसद क्या था कि मोहन को गुस्वाना, मतलब यानी कि उससे वो इंसल्ट महसूस करे, अनॉय हो जाए और आपका गुस्से में आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर या फिर मोहन को वो गार्लैंड पहना देता है, किसकी, जूतों की माला पहना देता है, या नंगा करके उसकी परेड निकालता है, या आधा नंगा करके चड्डी में उसे उसकी परेड निकालता है, ठीक है, SC ST की। तो वो भी चीज आपका इसमें आती है, ठीक है। इसको एक चीज से आप समझिए कि कोई भी आपका ऑफेंस हो जाए, ठीक है, कोई भी आपका IPC का ऑफेंस ले लीजिए, कोई भी हो, A to Z, अगर वो ऑफेंस आपका एक SC ST के साथ हुआ है, तो ये आपका एनहेंस कर देगा। तो IPC के भी क्या सेक्शंस लगेंगे उसके ऊपर, और SC ST के भी सेक्शंस लगेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपका अगली, कि फोर्सफुली आपने कमिट करा है ओनली अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, कि उस बंदे के आपने रिमूव क्लोथ कर दिए फोर्स करके, ठीक है, उसका सर मुंडवा दिया, रिमूव कर दी उसकी मूछे उखाड़ दी, या मुंह काला कर दिया, ठीक है, मूछे उसकी निकलवा दी, या उसे मजबूर करा कि तू ऐसा कर, या कुछ ऐसा ऐसा एक्ट करा जिसकी वजह से उसकी ह्यूमन डिग्निटी खत्म हो जाए, ठीक है, यानी कि उसकी ह्यूमन डिग्निटी खत्म हो जाए, यानी कि उसे बेइज्जत करा, ठीक है, रॉन्गफुली। अब यहां पर हमने A to E पढ़ा, A to E में आपका जो इंडिविजुअल के साथ हुआ है, अब यहाँ उसकी प्रॉपर्टी के साथ होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, रॉन्गफुली ऑक्यूपाई कल्टिवेटेड एनी लैंड ऑन बाय द पोजेशन ऑफ अलॉटी नोटिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मान लीजिए किसी SC ST को कोई जमीन मिली थी, ठीक है, उसको रॉन्गफुली कोई आपका नॉन SC या ST उस प्रॉपर्टी को हड़पा लेता है, ठीक है, या उसकी खेत तो उसके जमीन तो किसी और की है, पर जो उस पर फसल उगाई है वो एक SC ST ने उगाई थी, उसकी फसल को कोई ले लेता है, तो ये आपका उस पर F का केस बनेगा, या उसको उस जमीन से निकाल देता है, ठीक है, आपका, या उसको फॉरेस्ट से निकाल देता है, किनको, SC ST को, और कौन निकालता है, नॉन SC ST निकालती है, ठीक है, या वाटर इरिगेशन में उसको उसकी वाटर या इरिगेशन पानी से उसकी जमीन खराब कर दे या उसकी क्रॉप खराब कर दे, तो भी आप पे ये उसका सेक्शन लगेगा, क्योंकि जो क्रॉप होती है वो आपका प्रॉपर्टी कंसिडर करी जाती है, ठीक है। अब आपके यहाँ पर बताया गया, एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि यहाँ पर रॉन्गफुली इंक्लूड्स का मतलब क्या, यहाँ पर यह है कि उस SC ST की, SC और ST की जो विल ली है वो आपने अगेंस्ट हिज, यानी कि उसकी, तो यहाँ से साफ पता चल रहा है अगेंस्ट हिज विल, यानी कि उसकी इच्छा नहीं थी, या विदाउट पर्सन कंसेंट, यानी कि आपने उसकी कंसेंट नहीं ली थी, उसकी बिना कंसेंट के करा, या आपने उसकी कंसेंट जो ली है वो आपने डरा धमका कर ली है, तो भी वो चीज आएगी, या फैब्रिकेटिंग रिकॉर्ड्स बना के लिए, यानी कि उस पर जो रिकॉर्ड उसके गलत साइन करवा लिया आपने, जैसे आपकी एक मूवी थी मांझी मूवी थी, ठीक है, मांझी मूवी में वो क्या करता है, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है वो SC ST से बिलोंग करता है, तो वहां का जो मुखिया होता है वो उससे साइन करवा लेता है, ठीक है, और उसके नाम पे जो पैसा आना होता है वो दूसरे के नाम, वो अपने पास करवा लेता है, BDO वहाँ का जो ऑफिसर होता है वो अपने नाम करवा लेता है, ठीक है, सरकारी जो हेल्प आनी थी, तो वो भी चीज़ आपका इसमें कंसिडर करी जाएगी। अब बात करते हैं आपका, मेक्स अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट टू अ बैगर, यानी कि उसे बैगर बना दिया, यानी कि बाउंडेड लेबर बना दिया, ठीक है, बाउंडेड लेबर यानी कि तू भी गुलामी करेगा, तेरा बाप भी गुलामी करेगा, तेरे बच्चे भी गुलामी करेंगे, और बाउंडेड लेबर हो गई कि अब तेरी सारी पुश्तैनें मेरे पास काम करेगी, कंपलसरी सर्विस है, ठीक है, करेगा पूरे दिन, अब तू मेरा बंधुआ मजदूर हो गया, बंधुआ मजदूर अगर हम एक लाइन में बोले, ठीक है, या आपने उस SC ST को कंपेल करा कि आप SC ST को बोला है कि डिस्पोज कर, जैसे मान लो मेरे यहाँ कोई SC ST आता है, ठीक है, मैं उसे कहता हूँ जा
तेरा काम तो मरे हुए जानवरों की ग्रेव खोदना है और या फिर ये जानवरों को हटा दे, ठीक है, तो ये कर दे। तो क्या होता था कि पहले अगर ये देखा गया कि जो SC ST होते थे, हालांकि SC मेन बोले जाते थे, उनका काम होता था कि जो मरे हुए जानवर होते थे उन्हें हटाना, ठीक है, उनसे यही एक स्पेसिफिक काम करवाया जाता था। तो पर अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा कोई अब करवाते हैं तो उनपे SC ST लग जाएगा एक्ट, ठीक है, और बहुत डिफिकल्ट एक्ट है ये, इसमें आपका एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं मिलती, ठीक है। तो मान लीजिए कोई SC है मेरा दोस्त या कोई भी है, मैं उससे कहता हूँ जा ये वोट खोद, आपका डिग कर, ग्रेव को डिग कर, तो वो या एनिमल को हटा दे, कर्कस मतलब एनिमल की बॉडी, मरे हुए एनिमल की बॉडी, तो वो भी चीज़ इसमें ऑफेंस में आती है, एट्रोसिटीज में आती है, ठीक है, अत्याचार में आती है। मेक अ मेंबर ऑफ SC ST टू मैनुअल स्कैवेंज, या तो मैं उसे कहता हूँ जा मलमूत्र उठा, ठीक है, या नालियां साफ कर, ठीक है, हाथ से कर, ऐसी चीजें भी आती हैं, या उसे मैं परमिट करवा रहा हूँ कि उसे जबरदस्ती से काम करवा रहा हूँ। परफॉर्म और प्रमोट डेडिकेटिंग शेड्यूल ट्राइब्स वुमेन डाइट्री टू ऑब्जेक्ट, या तो एक देवदासी होती है, देखिए के में क्या बताया गया, देवदासी, मान लो कोई SC ST होता है वुमेन, ठीक है, मैं उसे जबरदस्ती उसे देवदासी बना रहा हूँ, ठीक है, मंदिर में, तो वो चीज भी आपका इसमें आएगी। फोर्स और इंटीमेट टू प्रिवेंट मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। अब देखिए एल में क्या बताया गया, एल में ये बताया गया कि कोई आपका SC ST है, ठीक है, यहाँ पर हम SC ST लेते हैं, ठीक है, इसको मैं नॉट टू वोट, इसे मैं वोट नहीं देने दे रहा, और अगर वोट देने दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि भाई पर्टिकुलर एक कैंडिडेट को वोट डालियो, तो वो चीज़ भी आपका इसमें आती है, ठीक है। नॉट टू फाइल नॉमिनेशन, मान लो ये SC ST जो है वो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है पर मैं इसे नॉमिनेशन नहीं भरने दे रहा, वो चीज आएगी एज ए कैंडिडेट और विड्रॉ और नॉमिनेशन। और मैं इसे कह रहा हूँ या तो अपना इसने नाम भर भी दिया है, पहली बात तो मैं इसे नाम ही नहीं भरने दूंगा, तो ये वाली बात आ गई, नॉमिनेशन ही नहीं भरने दूंगा, बट अगर इसने नॉमिनेशन भर दिया है फिर मैं कह रहा हूँ नाम विड्रॉ कर ले चल, तो ये भी चीज़ आपका हाँ एल में आएगी, ठीक है, एल में आएगी ये बात। और सी कह रहा है नॉट टू प्रपोज अ सेकंड नॉमिनेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और कैंडिडेट इन एनी इलेक्शन, या तो मैं उसे इलेक्शन में खड़े नहीं होने दे रहा। अब बात करते हैं एम की, एम की बात कह रहा है फोर्स टू इंटीमेट और ऑब्स्ट्रक्ट मेंबर ऑफ शेड्यूल। अब मान लीजिए कि किसी तरह से एनी हाउ SC ST इलेक्शन जीत गया, ठीक है, अब इसको मैं इसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा, यानी कि अब ये सरपंच बन गया, प्रधान बन गया, कुछ भी बन गया, या MP MLA कुछ भी बन गया, पर मैं इसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा, किस इसका बहिष्कार कर रहा हूँ किस बेस पे कि चल तू तो SC ST है, तेरे में बात मैं। आफ्टर वो फॉल कॉज हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू असॉल्ट, या जब इलेक्शन हो रहे थे तो मैंने एक SC ST को पीट दिया इस बेस पे कि ये SC ST है, ठीक है, उसे पब्लिक सर्विस में काम नहीं करने देना, ऐसी चीजें। कमिट एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल ट्राइब फॉर हैव वोटेड नॉट टू हैव वोटेड अ पर्टिकुलर कैंडिडेट और इन अ मैनर और प्रोवाइड बाय लॉ, यानी कि अगर वो किसी और को वोट देना चाहता है, जैसे SC ST ये किसी को वोट देना चाहता है अपने कैंडिडेट को, मैं उसे वोट नहीं देने दे रहा, वो भी चीज आपके इसमें आएगी। इंस्टीट्यूट फॉल्स मिलिशियस व्यक्ति से सूट और क्रिमिनल अदर लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट। अब मान लीजिए मैं कोई झूठा केस, ठीक है, मलिशियस केस या आपका वैक्सियस केस, सिविल या क्रिमिनल केस अगेंस्ट किसके लेकर आता हूँ, SC ST के ले आता हूँ, तो भी वो चीज़ आएगी, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं कोई झूठा केस फाइल कर देता हूँ एक SC ST पे, तो भी वो एट्रोसिटी के अंदर आएगा, ठीक है। अब बात करें क्योंकि गिव एनी फॉल्स एंड फ्रिवलेस इंफॉर्मेशन टू एनी पब्लिक सर्वेंट देयर आर देयर बाय सर्वेंट एंड इज लॉफुल पब्लिक। अब बात करते हैं आपका क्यू की, क्यू ये कह रहा है गिव एनी फॉल्स एंड फ्रिवलेस इंफॉर्मेशन टू एनी पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जैसे 182 का ऑफेंस कर दिया, ठीक है, IPC का, और आपने किसी फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है किसी पब्लिक सर्वेंट को, और वो पब्लिक सर्वेंट जैसे मान लो ये पब्लिक पुलिस वाले हैं, ठीक है, इनको मैंने कहा कि मेरे को है ना SC ST ने बहुत मारा है, ठीक है, SC ST वालों ने मुझे बहुत मारा है, ठीक है, तो अब ये मैंने झूठी गवाही, झूठा इंफॉर्मेशन दिया एक पब्लिक सर्वेंट को, और किसके खिलाफ दिया, एक नॉन एक SC ST के खिलाफ दिया, ठीक है, यानी कि ऐसे समझिए मोहन एक SC है, ठीक है, SC ST से बिलोंग करता है, और उसकी मैंने झूठी इंफॉर्मेशन, और मैं नॉन SC हूँ, ठीक है, झूठी इंफॉर्मेशन मैंने किसको दी है, पुलिस वालों को दी है या कोई पब्लिक सर्वेंट को दी है, ठीक है, झूठी दी है, तो यहाँ पर मेरे पे क्या होगा, आपका क्रिमिनल केस लगेगा, ठीक है। इंटेंशनली इंसल्ट करी है मैंने, इंटीमेट या ह्यूमिलेट करा किसको, एक SC ST को, ठीक है, पब्लिक में, यहाँ पर क्या है, पब्लिक के सामने। अब्यूज एनी मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट नेम इन द एनी प्लेस इन परव्यू, यानी कि मैंने उनको किसी SC ST के कास्ट का मजाक उड़ाया, ठीक है, यानी कि उनके मतलब जाति का, जैसे चमार वमार ऐसे वर्ड्स होते हैं इनका, मैंने मजाक उड़ाया। डिस्ट्रॉय डैमेज डेलिफ्रेसी एंड जनरली एल्स गेट इन एस्टीम, यहाँ पर यह समझिए जैसे मान लीजिए कोई SC ST है, ठीक है, वो किसी किसी खास इंसान को या देवता को मानते हैं, ठीक है, और उनकी मैंने चीज़ को तोड़ा, ठीक है, उनकी उनकी फोटो को तोड़ा, उनको डैमेज करके फाड़ दिया, ठीक है, या फिर वो किसी चीज़ को मानते हैं, उस चीज़ को मान ली, मान लीजिए वो इस पेड़ को मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, इस पेड़ को मैंने काट दिया, तो फिर क्या हो, क्या होगा मेरे पे, आपका
सेक्शन थ्री लग जाएगा, सेक्शन थ्री का टी पार्ट लग जाएगा। ठीक है, आपका मैंने ऑब्जेक्ट मीन्स एनी इंक्लूड स्टैच्यू प्रॉपर्टी सॉरी फोटोग्राफ एंड पोर्ट्रेट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, फोटोग्राफ भी आता है, पोर्ट्रेट भी आता है, ठीक है, स्टैचू भी आता है, उनको तोड़ दिया। वर्ड इधर स्पोकन और साइन विजिबल रिप्रेजेंटेटिव और प्रमोट फीलिंग ऑफ एमिटीट, यानी कि मैंने क्या करा, ऐसे कुछ उनके भगवान के बारे में या उनको जिस जिनको मानते हैं, ठीक है, स्पेशली मानते हैं, उनकी कुल देवी हो गई, कुछ हो गए, जिनको भी वो मानते हैं उनके बारे में मैंने ऐसे इल वेट फैलाई है या उनके खिलाफ गलत गलत बोला कि ये तो ऐसे होते हैं, एससी एसटी ऐसे होते हैं, ऐसी चीज़ें करी है। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे कि मान लीजिए कि वो किसी को मानते हैं, हाई मानते हैं, ठीक है, आपके किसी पर्सन को वो बहुत मानते हैं, उनकी मैंने बेइज्जती करी। जैसे आपका एससी एसटी जो है वो आपका भीमराव अंबेडकर जी को बहुत मानते हैं, जो अच्छी बात भी है, मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत चेंजेस लाए थे और एससी एसटी एक्ट आपका कोई इतना बुरा एक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपका वो मानते हैं, ठीक है, तो अगर इनकी कोई बेइज्जती करता है, ठीक है, नॉन एससी उनकी कोई बेइज्जती करता है तो उस पर एससी एसटी एक्ट लगेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी क्या है कि वो एक आदमी जो हो वो एक नॉन एससी हो, अक्यूज हमेशा आपका नॉन एससी रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने पीछे जो पढ़ा था, पीछे में हमने एक ये चीज़ पढ़ी थी कि आपका कोई वोट देकर आता है, जैसे ये वाला हमने पॉइंट पढ़ा था, आफ्टर द पोल हर्ट या ग्रीवियस हर्ट, यानी कि कोई अगर इलेक्शन में देकर आ रहा है एस सी एस टी, ठीक है, और वो आपका उसे कोई मार रहा है, पीट रहा है, या उसका इकोनॉमिकल बॉयकॉट कराता है कि मेरी बात ना मानने पर, तो यहाँ पर इकोनॉमिकल बॉयकॉट होगा। जैसे मान लो मोहन जो था वो इलेक्शन में, मैंने कहा था कि इस वाली पार्टी को वोट देकर आ, पर वो किसी और पार्टी को वोट देकर आया, ये और किसी कैंडिडेट को वोट देकर आया, तो मैंने उसका गांव में बहिष्कार करवा दिया, इकोनॉमिकल बॉयकॉट करवा दिया, सोशल बॉयकॉट करवा दिया, तो ये चीज़ मेरे पे लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं डब्ल्यू के, इंटेंशनली टच करता है किसी वुमेन को जो आपका एस सी एस टी से, मान लीजिए कोई एस सी एस टी वुमेन है, उसको मैं इनअप्रोप्रिएटली टच करता हूँ, ठीक है, उसकी कंसेंट के बिना, तो एस सी एस टी लग, यानी कि ऑब्वियस बात है 354 के जितने भी हैं, अगर 354 में बात करें तो आपका सेक्सुअल हेरासमेंट सॉरी आउटरेज मोडेस्टी ऑफ वुमेन की बात आ गई, 354A में बात आ गई कि सेक्सुअल हेरासमेंट करी है आपने, 354B में बात आ गई कि डिसरॉप करा आप एक वुमेन को, ठीक है, सी में बात आ गई आपका आपने किसी वुमेन की नेकेड फोटो खींची है, ऐसा कुछ हो गया, या 354D में आ गया स्टॉक करा है। पर अगर मान लीजिए ये सारे अपराध मैंने किसी एक एससी और एसटी के साथ करे हैं, ठीक है, और वो एक वुमेन है, ठीक है, पहली बात तो इसके लिए वुमेन होना जरूरी है, और वो वुमेन किससे बिलोंग करती है, एससी एसटी से बिलोंग करती है, तो कौन सा सेक्शन लगेगा मेरे पे आपका, ये सेक्शन में से कोई भी अपराध करा, जैसे मान लो मैंने उसे डिसरॉप करा है, तो 354B तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आपका एससी एसटी एक्ट का सेक्शन 3 भी लग जाएगा, अत्याचार में भी आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सी अगर बात को समझे तो ये है कि अगर कोई भी आपने अपराध करा और वो एक एस सी एस टी के साथ करा है, तो वो आईपीसी का या वो अलग ऑफेंस का तो लगेगा ही लगेगा, जो भी उसके लिए पर्टिकुलर ऑफेंस है, साथ में एस सी एस टी एक्ट भी लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा, यूज वर्ड्स एक्ट, यानी कि आपने उसे कुछ ऐसे वर्ड्स बोले, प्रोस्टिट्यूट बोले या ऐसे वर्ड्स बोले जो वुमेन, या थ्रेट करा एक वुमेन को, ठीक है, और वो कौन सी वुमेन है, एस सी एस टी है, तो भी ये सेक्शन लगेगा। फॉर द एक्सप्लेनेशन, या कंसेंट का मतलब है कि आपने मीन्स अनइक्वलेबल वॉलेंट्री एग्रीमेंट, यानी कि वही कंसेंट की बात आ गई, एक्सप्रेस हो, इम्प्लाइड हो, अगर उसके कंसेंट है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कंसेंट नहीं है तो दिक्कत ही दिक्कत है। या वर्ड गेस्चर्स का मतलब देखिए, वर्ड का मतलब होता है आपने बोलकर, गेस्चर्स मतलब आपने हाथ वाथ ऐसे दिखाए हैं, ठीक है, गंदे इशारे करे, ठीक है, यहाँ गेस्चर का मतलब गंदे इशारे नहीं होते, ऑब्वियस बात है जब गंदे इशारे होंगे तभी वो ऑफेंस बनेगा, गेस्चर का मतलब हाथ से इशारे बनाए हैं। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द स्पेसिफिक एक्ट, और कोई स्पेसिफिक एक्ट की बात करें, प्रोवाइडेड अ वुमन बिलोंग फॉर एस सी एस टी डज नॉट ऑफर फिजिकल रेजिस्टेंस टू एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट बाय द रीजन ऑफ दैट, इट इज रिगार्ड ऑफ कंसेंट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर आपका ये बताया गया कि कहाँ चला गया, तो यहाँ पर बात करी गई है, जैसे मान लीजिए वो जो एस सी एस टी वुमेन है, ठीक है, उसके प्रीवियस सेक्सुअल केसेस के बारे में कोई डिस्कस नहीं होगा, मतलब सेक्सुअल हिस्ट्री डिस्कस नहीं होगी, या अगर उसके उसने जैसे मान लीजिए उससे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा एस सी एस टी से कि आपने फिजिकल रेजिस्ट क्यों नहीं करा, ठीक है, तो यहाँ से उससे ये चीज़ें विशियस है, यानी कि आपका बेकार है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें करप्ट और फॉल्स ऑफ वाटर, यानी कि कोई फॉल्स ऑफ वाटर यानी कि बदबूदार पानी, स्प्रिंग, रिजर्वायर, उसे एक एस सी एस टी की प्रॉपर्टी में छोड़ दिया आपने, तो ये वाला सेक्शन लगेगा। ठीक है, डिनाइज एस सी एस टी, आपने एक एस सी एस टी को किसी रिसोर्ट में नहीं रुकने दिया, ऑब्स्ट्रक्ट करा कि वो आप प्रिवेंट करा कि वो इस जगह पे ना जा सके, किसी पब्लिक रिसोर्ट में ना जा सके, किसी जगह पे ना जा सके। ठीक है, जैसे मान लो ये एक जगह, ठीक है, तो अब यहाँ पर वो उस एस सी एस टी को मैं रोक देता हूँ कि आप इसमें नहीं जाओगे, तो 341 का तो केस लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ में मेरे पे सेक्शन 3 का भी केस लगेगा, 3 का Y। अब बात करते हैं Z की,
फोर्स और कॉज ऑफ मेंबर लीव टू हिज हाउस, लीव टू हिज हाउस। और मान लीजिए गांव में कई बार देखा गया कि जो आपकी एस सी एस टी है, मान लो कोई एक एस सी एस टी है, ठीक है, उसको आपने गांव निकाला दे दिया, गांव निकाला या देश निकाला, मतलब कोई जगह डिस्ट्रिक्ट में कह दिया और कह दिया इस बिल्डिंग में मत आना, ठीक है, तो ये चीजें भी आपका उसमें आती है। प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन इन स्पेशल अप्लाई टू डिस्चार्ज ऑफ द पब्लिक ड्यूटी। अगर मान लीजिए किसी पब्लिक ड्यूटी ने करा है, ठीक है, पब्लिक करा है, तो उनपे ये केस नहीं लगेगा। मान लीजिए अगर कोई एस सी एस टी था, ठीक है, उसे तड़ी पार कर दिया, ठीक है, बोले डीसीपी ने तड़ी पार कर दिया, डीसीपी को पावर होती है तड़ी पार करने की, ठीक है, यानी कि उस इलाके में एंटर नहीं करेगा तू मेरे इलाके में, ठीक है, तो इसे क्या करा, तड़ी पार कर दिया। अब ये जो तड़ी पार करा है, ठीक है, ये क्या करा है, एक डीसीपी ने करा है, और उसके पास रीजन है कि इसके पास 40 केस लगे हुए, ये वो, तो वो एस सी एस टी है, वो डीसीपी पे केस नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पर जेड ए की बात करिए, जेड एट में बात करिए, ऑब्स्ट्रक्ट एंड प्रिवेंट अ मेंबर ऑफ एस सी एस टी इन एनी मैनर रिगार्ड। अब यानी कि यहाँ पर क्या है, एक एस सी एस टी को आपने मना करा, किस लिए, यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज ऑफ एरिया। जैसे मान लीजिए कहीं पर शमशान घाट होते हैं, ठीक है, शमशान घाट में या दफनाने वाली जगह पे हो गई, उनको मैंने मना कर दिया कि तुम एस सी एस टी हो, तुम अपने यहाँ लोगों को यहाँ नहीं दफना सकते, तो ये चीज पे आ गया, ठीक है, उन्हें कोई पानी यूज नहीं करने दिया, ठीक है, वाटर टैप यूज नहीं करने दिया, एक जो कुआं है उसमें से पानी नहीं पीने दिया, मान लो ये कुआं है, ठीक है, इस कुएं से मैं पानी नहीं पीने दे रहा, ठीक है, उनको, और मैं क्या हूँ, नॉन एस सी हूँ और नॉन एस टी हूँ, ठीक है, एस सी एस टी हूँ मैं, और वो क्या है, एस सी एस टी है, तो मैंने उन्हें कह दिया इसमें से पानी नहीं पियोगे, तो ये वाला केस मेरे पे लग जाएगा। बाथिंग घाट में नहाने नहीं दे रहा, ठीक है, रोड पे नहीं जाने दे रहा, किसी रास्ते को यूज नहीं करने दे रहा। मान लो कई जगह हमने देखा है कि जैसे ये जो कोई ब्राह्मण या ठाकुरों के घर होते हैं, वहां से मैंने किसी मना कर दिया कि तुम एस सी लोग हो, तुम मेरे इस इलाके से नहीं निकलोगे, इस रास्ते से नहीं निकलोगे, पीछे वाले रास्ते से निकलोगे, ठीक है, तो ये चीज भी आपको उनमें आती है। आपका इसमें 341 तो लगेगी लगेगी, आईपीसी के साथ में ये वाले सेक्शंस भी लगेंगे, सेक्शन 3 भी लगेगा। अब बात करते हैं बी का, माउंटिंग और राइडिंग बाइसिकल्स मोटरसाइकिल और वेयरिंग फुटवेयर नो और न्यू क्लोथ्स इन पब्लिक प्लेस। यानी कि सिंपल सी बात है कि उनको मैंने कोई एस सी एस टी को मैंने बोल दिया तू बाइक नहीं चलाएगा, तू साइकिल नहीं चलाएगा, ठीक है, चप्पल नहीं पहनेगा। कई बार जगह देखा गया, साउथ के एरिया में देखा गया, ऐसे एस सी एस टी के साथ होता है कि उन्हें चप्पल नहीं पहनने देते, उन्हें नए कपड़े नहीं पहनने देते, ठीक है, वेडिंग प्रोसेशन यानी कि टेकिंग, और उनको बारात निकालने नहीं देते, ठीक है, तो ये चीजें भी आती है। घोड़े पे नहीं बैठेगा, अगर बारात निकालेगा तो घोड़े पे बैठ के नहीं जाएगा, ठीक है, या किसी व्हीकल में बैठ के नहीं जाएगा, ये चीज उसमें आती है, ठीक है। अगर वो मैंने किसी एस सी एस टी के साथ करा है तो एस सी एस टी एक्ट लगेगा, और मैं कौन होना चाहिए, नॉन एस सी होना चाहिए, तो बार बार ये चीज याद रखिएगा। एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ वर्कशिप, यानी कि उनको किसी वर्कशिप वाली जगह पे नहीं जाने दिया, आपका मंदिर मंदिर में एंट्री से मना कर दिया, ठीक है, या आपका उनको एंट्री एंट्री मना कर दी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन में, शॉप में एंट्रिंग करने में, कहाँ पर उनको, किनको मना कर दिया, कोई बर्तन खरीदने से मना कर दिया, आर्टिकल खरीदने से मना कर दिया। जैसे मान लो कि ये कोई चीज़ है, ठीक है, ये कोई चीज़ है, उसको मैंने मना कर दिया कि ये तुम एस सी एस टी हो, तुम नहीं ले सकते, तो मेरे पे ये वाला सेक्शन लग जाएगा, सेक्शन 3 का डी, ठीक है, जेड का डी। अब ये जेड के ए बी सी डी चल रहे हैं, ठीक है। ई कह रहा है आपका प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन, एनी कैरिंग ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट इन एनी जॉब। यानी कि मान लीजिए कोई पब्लिक जॉब है, ठीक है, उनमें मैंने इसलिए मना कर दिया कि तुम एस सी एस टी हो, इसलिए ये वाला काम करो, और एस सी एस टी हो तुम ये वाला नहीं करो। मान लो एक एस सी एस टी का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, मैं उसे मना कर देता हूँ, तू डॉक्टर नहीं बनेगा, तू मैनुअल स्कैवेज वाला काम करेगा, ठीक है, तो ये चीज भी उसमें आ गया। कॉज फिजिकल हार्म एंड मेंटल एगोनी ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एलिगेशन ऑफ प्रैक्टिस विचक्राफ्ट। मान लो मैंने किसी एक एस सी एस टी है, ठीक है, उसको मैंने तांत्रिक या आपका वुमेन है तो विच घोषित कर दिया, ठीक है, कि ये तो तांत्रिक और तांत्रिक है, इसका पति या विच है यानी कि चुड़ैल है, तो ये चीजें करिए तो ये मेरे पे सेक्शन लगेगा। उसके वजह से मैंने उसको इस बेस पे कि वो एक चुड़ैल है उसके ऊपर मैंने फिजिकल हार्म करा है, तो ये चीज मेरे पे लगेगी, ठीक है, और इंसल्ट करिए तो भी लगेगी। जेड सी इम्पोज एंड थ्रेटन सोशल इकोनॉमिकल बॉयकॉट। मान लो मैंने किसी को कह दिया अगर तूने मेरी बात नहीं मानी मैं तेरे को इकोनॉमिकल बॉयकॉट कर दूंगा या सोशल बॉयकॉट कर दूंगा, यानी कि तेरे को तेरा हुक्का पानी बंद कर दूंगा, ठीक है, ऐसी मैंने धमकी दी है तो मेरे पे जेड सी लग जाएगा। अब मान लीजिए किसी ने ऐसा कुछ करा तो कितनी सजा है यहाँ पर। अब सजा की बात करें, सेक्शन 3 में हमने जितने भी पढ़े हैं उसमें सजा आपकी है 6 महीने की, बट विच में बी एक्सटेंड टू 5 ईयर्स एंड फाइन। यानी कि 6 महीने से लेके 5 साल तक की सजा मिलेगी मिलेगी, मिनिमम 6 मैक्सिमम 5, ठीक है, एंड फाइन, यानी कि यहाँ पर फाइन भी अच्छा खासा ठोका जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपका, अब जैसे मान लीजिए कोई आपका यहाँ पर सेक्शन 2 में क्या दे रखा है, जो अभी तक तो 1 में ही चल रहे थे ए टू जेड और जेड के सारे पार्ट, अब 2 में क्या दे रखा है, सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2 में क्या दे रखा है, ठीक है,
यहाँ पर दे रखा है कि अगर कोई एविडेंस देता है या फैब्रिकेटिंग एविडेंस करता है किसके अगेंस्ट में, एससी एसटी के अगेंस्ट में, यानी कि यहाँ पर जो झूठी गवाहियां दे रहा है या एविडेंस दे रहा है वो एक नॉन एससी होना चाहिए, ठीक है। और किसके अगेंस्ट में दे रहा है, एक एससी एसटी के में दे रहा है, एक एससी एसटी के अगेंस्ट दे रहा है, ठीक है, क्या झूठी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, उसके वजह से शेड्यूल कन्विक्टेड ऑफेंस इफ द कैपिटल पनिशमेंट, अगर ऐसे ऑफेंस में जिसकी कैपिटल पनिशमेंट है, ठीक है, तो फोर्स भी विल बी इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन, तो उस पर क्या लगेगा, आपका इंप्रिजनमेंट लगेगा। इफ इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड और एग्जीक्यूट, जैसे सिंपल सी बात को मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए एक मोहन है, ठीक है, मोहन जो है वो आपका एक ऐसे ऑफेंस में फंसा है, मर्डर के केस लगा उस पर, तो मर्डर की सजा कितनी है, डेथ तक की है, ठीक है। और मैं जो हूँ दिशांक, मैं क्या करता हूँ कि इसको फंसाने के लिए झूठी गवाही दे देता हूँ, ठीक है, और ये क्या है, एससी एसटी है, ठीक है, और मैं क्या हूँ, नॉन एससी हूँ, ठीक है, मैं नॉन एससी एसटी हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, उसके खिलाफ झूठी गवाही दी है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पे क्या लगेगा, आपका लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की भी सजा हो सकती है, फाइन भी लग सकता है। बट मान लो मेरी वजह से मोहन को कन्विक्टेड होल्ड हो जाता है, यहाँ पर अभी वो कन्विक्टेड हुआ नहीं है, अभी ये सिर्फ एक्यूज है, कन्विक्टेड मतलब दोषी पाया जाता है, ठीक है, और मतलब झूठी गवाही की वजह से मेरी, और उसके वजह से उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, उसे लटका देते हैं, तो मुझे आपका शल भी आपका मुझे कितनी सजा मिलेगी, मुझे कितनी सजा मिलेगी, आपका मिलेगी डेथ पेनल्टी मिलेगी। मतलब मान लो मोहन मेरे वजह से लटक गया, ठीक है, फांसी की सजा मिल गई, तो मुझे कितनी सजा मिलेगी, डेथ की पेनल्टी मिलेगी। अब बात करें कि ऐसे ऐसे ऑफेंसेस में जिसकी पनिशमेंट आपका 7 साल तक है या उससे ऊपर है, 7 साल तक है, ठीक है, या उससे ऊपर है, ठीक है, ऐसे सजा, उसमें कितनी सजा मिलेगी मुझे, अगर मैं उसमें कोई झूठी गवाही देता हूँ जो आपका कैपिटल पनिशमेंट से नहीं है, कैपिटल का मतलब होता है फांसी की सजा, मौत की सजा, ठीक है, यानी कि 7 साल से लेके आपका अपवर्ड्स, यानी कि इससे ऊपर, यानी कि इतनी तो होनी चाहिए, इससे ऊपर अगर कोई केस में मैं झूठी गवाही देता हूँ, ठीक है, मोहन के अगेंस्ट में, तो यहाँ पर मेरे को सजा कितनी मिलेगी, 6 महीने की मिलेगी, अब आपका 7 साल तक भी जा सकते हो, और फाइन तो लगेगा ही लगेगा, यहाँ लिखा है फाइन तो लगेगा। या मैं आपका मिसचीफ करता हूँ, मिसचीफ का मतलब कोई डिस्ट्रॉय करता हूँ, ठीक है, डिस्ट्रॉय करता हूँ, डैमेज करता हूँ, जैसे मैंने किसी कोई एससी एसटी की गाड़ी खड़ी है उस पर देके पत्थर मार दिया, ठीक है, 427 का ऑफेंस कर दिया मैंने, कौन सा ऑफेंस कर दिया, 427 का ऑफेंस कर दिया, ठीक है, तो 427 भी लगेगी, साथ में मेरे पास 3(2) का, 3(2) का 3(1) पार्ट 3 भी लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा कि कमिट मिस्चीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोजिव सस्टेंस, यहाँ पर क्या होना चाहिए, फायर से होना चाहिए, ठीक है, किसी की मैंने प्रॉपर्टी तोड़ दी, किसकी, एससी एसटी की, तो मेरे को कितनी सजा मिलेगी, लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ तक जाएगी, और 7 साल तक भी जा सकती है, फाइन भी लगेगा, मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम आपका 7 साल। अब फोर क्या कह रहा है कि कमिट मिस्चीफ बाय फायर एंड एक्सप्लोजिव सस्टेंस की वजह से कोई डिस्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है, और विच ऑर्डिनरी प्लेस, और उनके मैंने धर्म प्लेस को उड़ा दिया या उनके गोदाम में आग लगा दी जहां वो खाना वाना रखते हैं, तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी मेरे को, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिलेगी और आपका विद फाइन भी होगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई एससी एसटी का घर है या उनके पूजा स्थल है या जहाँ वो पूजा करते हैं या कोई आपका अपना सामान रखते हैं या उनका ड्वेलिंग है यानी कि ऑफिस है, उनकी ऐसी जगह पे मैं कर देता हूँ, मेरे पे आपका लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा है, मिसचीफ करता हूँ। तो अब यहाँ पर फिफ्थ की बात करिए कि अगर आपने ऐसा कोई ऑफेंस करा, ठीक है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जिसमें पनिशमेंट है, जैसे चीटिंग हो गया, ठीक है, चीटिंग हो गई, फॉर्जरी हो गई, ऐसे कुछ ऑफेंसेज है, तो वो तो लगेंगे, 420 भी लगेगा और ऐसे ऑफेंसेज भी लगेंगे, पर उनकी पनिशमेंट 10 साल से ऊपर की होनी चाहिए, और वो किसके अगेंस्ट में होनी चाहिए, एस सी एस टी के अगेंस्ट में होनी चाहिए, तो यहाँ पर एनहेंसमेंट पनिशमेंट एनहेंस्ड हो जाएगी, ठीक है। कमिट एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन अ पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी नॉन सच पर्सन इज मेंबर ऑफ एस सी एस टी बिलोंग टू सच पर्सन, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी, मैंने कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस करा है, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मतलब आपका आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन हो गया, 411 का ऑफेंस हो गया, 379 का ऑफेंस हो गया, 378 का हो गया, एक्सटॉर्शन का हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया, रॉबरी का हो गया, ठीक है, ऐसा कोई डकैती हो गया, ऐसा कोई ऑफेंस करा है और एस सी एस टी के खिलाफ करा है, तो मुझे सेम पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, और अगर इसमें 10 साल से ऊपर की पनिशमेंट है तो 5 ईयर वाला, और अगर 10 साल से कम वाली है तो 5 ईयर वाला, ठीक है, और कैसी पनिशमेंट मिलेगी, जो उसकी तरह मानी जाएगी, सेम एज पनिशमेंट पनिश मिला जाएगा, ठीक है। फोर्थ की बात करें तो नोइंग हैविंग रीजन टू बिलीव एन ऑफेंस कॉजिंग एविडेंस कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस डिसअपियर, अब मान लीजिए कि मैंने उसको एविडेंस को डिसअपियर कर दिया, ठीक है, तो उस एविडेंस को मैंने डिसअपियर कर दिया, यानी कि सीसीटीवी कैमरा था मोहन की बेगुनाही का, मैंने वो डिलीट ही कर दिया, तो मुझे कितनी पनिशमेंट मिलेगी, वही मिलेगी जो आपका सेम मिलेगी, फॉल्स फैब्रिकेटिंग एविडेंस आपका 192 से 191 से लेके आपका 195 तक की बात करता है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये बोला कि अगर मान लीजिए ये जो अभी तक हमने ऊपर सब कुछ पढ़ा है ये पब्लिक सर्वेंट ने करा है, तो
तो उसकी पनिशमेंट में 1 साल तो एड ऑन हो ही गया, ठीक है, 1 साल तो एड ऑन हो ही गया। बाकी जो उसे ऑफेंस करेंगे तो उसकी सजा अलग से मिलेगी मिलेगी, ठीक है, चाहे वो आईपीसी का हो चाहे उसका। पर अगर वो एक पब्लिक सर्वेंट है तो 1 साल, 1 साल की तो पनिशमेंट आ गई, ठीक है, 1 साल की तो आ गई। आपका बाद में उस ऑफेंस की सजा मिल गई, मान लो उसने किसी पुलिस वाले ने किसी के मोहन के मुंह में गंदी चीज डाल दी, ठीक है, तो वो वाली भी सजा मिल गई, और अगर आईपीसी की ऑफेंस की मिल गई, तो यानी कि ये तो लंबा गया, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।